Hi everyone, welcome back to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? I hope you all are doing well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी. ये है चीज़ सैंडविच. बच्चों से लेके बड़े तक सभी इस सैंडविच को बहुत ही पसंद करेंगे. एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत हेल्दी भी है. इसमें काफ़ी वेजीज मैंने ऐड किया है. तो इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो चलिए देखते हैं. उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट. सबसे पहले मैंने एक बाउल में बटर लिया है, मेल्टेड बटर, और उसमें मैंने फाइनली चॉप करके गार्लिक ऐड किया है और साथ में इसमें मैं मिलाऊंगी कोरिएंडर लीव्स एंड देन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल. और साथ में मैंने इतने सारे वेजीज लिए हैं. कैरेट को मैंने ग्रेट कर लिया है, कैप्सिकम को फाइनली चॉप किया है, टोमेटोज को भी फाइनली चॉप किया है एंड अनियंस को भी मैंने फाइनली चॉप किया है. और इधर है बॉईल किया हुआ कॉर्न, ये भी मेरे गार्डन का है कॉर्न. एंड द नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने इस बाउल में चीज़ को ग्रेट कर लिया है. ये है प्लेन चीज़ है जो क्यूब्स में मिलता है. आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो. इसमें सारे वेजीज को ऐड करें एक एक करके. पहले मैंने कॉर्न को ऐड किया है एंड देन टोमेटोज, और उसके बाद एक एक करके सारे वेजीज को ऐड करें. कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियंस, आप इसमें कलर्ड बेल पेपर्स भी चॉप करके ऐड कर सकते हो, पीस भी ऐड कर सकते हो, मटर, और इसमें ऐड करें ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड देन इसे सीजनिंग करें सॉल्ट से एंड ब्लैक पेपर से. उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल प्रॉपरली. सीजनिंग के लिए आप ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया एंड देन अच्छे से मिक्स किया है. नेक्स्ट स्टेप, सैंडविच मेकर को अच्छे से ग्रीस कर ले बटर से. जो बटर में गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स है उससे अच्छे से ग्रीस कर ले. इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ब्रेड में. ब्रेड को प्लेस करने के बाद उस पर भी बटर लगा दे, ब्रश कर ले बटर से. ब्रेड के ऊपर चीज स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर दे. इसके बाद ऊपर से ब्रेड डाले और ब्रेड के ऊपर बटर और गार्लिक अच्छे से स्प्रेड करें एंड देन आप सैंडविच मेकर को ऑन करें. अब देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गया है और सैंडविच बिल्कुल तैयार है. तो चलिए खोल के देखते हैं कि कैसा बना है. और आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी लग रहा है, देख के ही. बिल्कुल गर्मा गर्म हेल्दी सैंडविच तैयार है. आप इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर ले और आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं. और बहुत ही यम्मी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है. आप इवनिंग स्नैक्स भी इसे सर्व कर सकते हैं. बहुत ही झटपट बन जाता है. और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है. आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल साड़ी हंड्रेड और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट.
तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऑन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग. टिल देन बाय बाय. स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी.